एसएमएस में आपका स्वागत है। क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 2 अ स्नेक चामस स्टोरी की हम लोग शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट वन कवर करेगा इंट्रोडक्शन टू अ स्नेक चार्मर, लाइफ ऑफ अ स्नेक चार्मर, वर्क ऑफ द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर का परिचय, उसका जीवन, उसकी कार्य पद्धति, इसकी चर्चा करेंगे। पार्ट टू कवर करेगा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, विषैले और अविषैले सांप, एनिमल यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मनोरंजन के लिए जानवरों का प्रयोग, पीपल डिपेंडिंग ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए पशुओं पे मनुष्य की निर्भरता, ये पार्ट टू में कवर किया जाएगा। पार्ट वन की शुरुआत करते हैं, जिसके कंटेंट्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू अ स्नेक चार्मर, लाइफ ऑफ अ स्नेक चार्मर, वर्क ऑफ द स्नेक चार्मर। एनसीईआरटी पेज 15, नाग गुम्फन एक डिजाइन यहां दिख रहा है। इस डिजाइन को नाग गुम्फन कहते हैं। डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी, एज वॉल डेकोरेशन। इस डिजाइन को रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई में और दीवारों की सजावट में यूज किया जाता है। ये लोकप्रिय डिजाइन है सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में। आई एम आर्यनाथ, ये कहानी है आर्यनाथ की, जो एक सपेरा है, स्नेक चार्मर है। वो अपनी कहानी सुनाते हैं। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू, डू यू नो वाट। मैं कुछ ऐसा विशिष्ट कर सकता हूं जो आप में से कोई नहीं कर सकता हो, क्या आप जानते हैं मैं किस बात की चर्चा कर रहा हूं? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूं। यू मस्ट बी सरप्राइज, यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं बीन बजा करके सांपों को नचा सकता हूं। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स, वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, और ये कला मैंने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है और हम लोग कालबेलियाज कहलाते हैं। तो ये कालबेलिया जो है एक ट्राइब है और स्नेक चामस जो है इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी ट्राइब है जिसमें भील, दमारिया ये प्रमुख ट्राइब्स हैं। माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स आवर पीपल, हमारे दादा रोशन नाथ जी कालबेलिया में हमारे दल में बहुत लोकप्रिय थे। ही कुड इजली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स, ही टेल्स मी मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। वो आसानी से बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे और अपने भूतकाल की बहुत सारी कहानियां वो हमें बताते हैं। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड, आइए उनके शब्दों में ही उनकी कहानी सुनते हैं। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरा स्नेक चामस। वो बताते हैं कि अपने दादाजी के जमाने से और उनके भी जो पूर्वज थे उस समय से हम लोग हमेशा सपेरा का काम करते आए हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है सांप। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट, अपने बांस की टोकरी में सांपों को रख करके वो गांव गांव घुमा करते थे। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, जब भी वो किसी गांव में रुकते थे तो वहां
भीड़ जमा हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट, तो अपने टोकरी से वो सांपों को बाहर करते थे और उसका कर्तव्य दिखाते थे, जैसा कि देखे इस फिगर में आप देख रहे हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वेयर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, और शो के खत्म होने के बाद भी लोग वहां रुकते थे क्योंकि वो उन्हें मालूम था कि हमारा जो टीन का बॉक्स है उसमें कई प्रकार की दवाइयां हैं जो उनके काम की। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से इकट्ठा किए गए पौधों से वो दवाएं तैयार होती थी। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, और ये दवा बनाने की कला जो है ये उन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेर फार ऑफ, वो खुशी महसूस करते थे कि अपनी दवा से वो लोगों की मदद कर रहे हैं जबकि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल बहुत दूर थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और दवा के बदले में लोग उन्हें कुछ पैसे देते थे, अनाज देते थे जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक, कभी कभी उन्हें उन जगहों पे बुलाया जाता था जहां किसी को सांप ने डस लिया है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, आखिर किस सांप ने काटा है उस व्यक्ति को, तो उसके डसने के निशान के आधार पे वो पता करते थे। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, फिर उसके लिए वो दवा देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन वो याद करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर समय मैं समय पर उनकी मदद के लिए मौजूद हो जाऊं। एज वी नो सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन काउज डेथ ऑन द स्पॉट, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, वो याद करते हुए कहते हैं कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सांप हैं जिनका बाइट जो है, जिनका डंक जो है, वो इतना जहरीला है कि आदमी की मृत्यु जो है तत्काल हो सकती है, लेकिन बहुत सारे सांपों की वैरायटी जो है वो नॉन पॉइजनस है, वो जहरीले नहीं है, जिसमें इंडियन पाइथन, वाटर स्नेक, वुल्फ स्नेक, ग्रेट स्नेक जिसको हम लोग धामिन कहते हैं, ये सब बिना जहर वाले सांप हैं। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प साउटिंग स्नेक स्नेक, कभी कभी कुछ किसान दौड़ते हुए आते हैं मदद के लिए चिल्लाते हुए कि सांप सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक, मैं उस सांप को पकड़ सकता हूं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, क्योंकि सांप पकड़ने की कला मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं बचपन से ये काम करता आ रहा। ओह दोज वेयर द गुड डेज, वो अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज, वी ऑल्सो इंटरटेन देम, इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेस टीवी फॉर इंटरटेनमेंट, वो याद करते हुए कहते हैं कि हम विभिन्न प्रकार से लोगों की सहायता करते थे, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करते थे। ये आज की तरह से नहीं है, इसमें सारे लोग टीवी देख करके मनोरंजन करते हैं। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. Thanks. तो जब मेरी उम्र बढ़ी तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि किस तरह से सांप के जहरीले दांत को हटाया जाता है, सांप के जहरीले दांत को फैंग्स कहा जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. साथ ही साथ पिताजी ने यह भी बताया कि किस तरह से सांप के मुंह में
जो जहरीला ट्यूब है, जहर का ट्यूब है, उसको कैसे क्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा? थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहा? यस आई हैव सीन स्नेक टॉमस प्लेइंग अ बीन इन अ विलेज फेयर। हाँ, हमने सपेरे को बीन बजाते हुए देखा है गांव के मेले में। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या आपने सांप को देखा है और कहाँ देखा है? यस आई हैव सीन अ स्नेक, मैंने सांप देखा है। आई हैव सीन इट इन द गार्डन ऑफ माय स्कूल। स्कूल के गार्डन में, स्कूल के बागीचे में मैंने सांप को देखा है। वेयर यू स्कैर्ड बाय इट? वाई, क्या आप इसे भयभीत हुए, क्यों? यस आई वॉज स्कैर्ड बाय इट। हाँ, मुझे इसका भय हुआ, डर हुआ। बिकॉज आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस, दे वुड बाइट विच माइट बी फैटल। क्योंकि मैंने सुना है कि सांप जहरीले होते हैं और उनका डसना जो है जानलेवा हो सकता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नहीं, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सारे सांप जहरीले नहीं है। इन चैप्टर वन यू रेड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। तो जो चैप्टर वन हम लोगों ने किया सुपर सेंसेस, उसमें आपने पढ़ा कि सांपों को कान नहीं होते हैं जिन्हें हम देख सकें। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट टांस व्हेन द बीन मूव? तो क्या सांप जो है बीन की आवाज सुन सकता है? क्या वो बीन के मूवमेंट पे डांस कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर, सो दे कांट हियर द साउंड ऑफ द बीन। तो सांपों के कान नहीं है इसलिए बीन की आवाज वो नहीं सुन सकते हैं। दे कंसिडर द बीन एज अ डेंजर, बीन को वो एक खतरे की तरह से समझते हैं। एंड फॉलोज इट्स मूवमेंट आउट ऑफ हियर, और भय से वो बीन जिस तरह से मूव करता है, बीन को बजाते समय चपेरा जिस तरह से बीन को मूव करता है, उसी हिसाब से सांपों का भी मूवमेंट होता है और उसी को हम लोग सांप का डांस कहते हैं। व्हाट कैन वी डू आर्यना? तो दादाजी बताते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टाउट। तुम्हारे पिताजी मेरे साथ तब से ट्रेवल करते हैं जब वो बहुत छोटे थे। उन्होंने बीन बजाने की कला बिना किसी शिक्षा के प्राप्त की। दीज डेज इट इज डिफिकल्ट, आज के दिनों में ये कठिन है। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। तो सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों को न तो पकड़ सकता है, न ही अपने पास रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनके चमड़ों को ऊंची कीमतों पे बेचते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए सरकार के द्वारा इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब इस लॉ के बाद हम लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे, ये चिंता का विषय है। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हम लोगों ने कभी भी सांप का शिकार नहीं किया है, सांपों को नहीं मारा है। एंड सोल्ड एयर स्किन, उसके स्किन को, उसकी त्वचा को नहीं बेचा है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन, लोगों का कहना है हम सांपों को बुरी परिस्थिति में रखते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात सही नहीं है। इफ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक, बट वी वुड नेवर डू दैट। अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी सांपों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सांप हमारे लिए वो खजाना है
जो हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं, सौंपते जाते हैं। वी इवन गिफ्ट नेक्स्ट टू आवर डाउटर्स वेन दे गेट मैरिड, और जब हमारे बेटियों की शादी होती है तो उपहार स्वरूप उन्हें सांप देते हैं। ये हमारे परंपरा का सिंबल है, परंपरा की पहचान है। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक, तो सांप के डांस की तरह से हम लोगों का जो कालबेलिया डांस है, जो ट्राइब डांस है, उसमें मूवमेंट वैसा ही है जो स्नेक डांस के जैसा है। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, आर्यनाथ तुम्हें अपने जीवन के लिए एक अलग स्टाइल डेवलप करना होगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम्हारे पास बीन बजाने की कला तुम्हारे पापा से उपहार स्वरूप मिली है, तुम और तुम्हारे कजिन्स, तुम्हारे चचेरे भाई बीन पार्टी बना सकते हैं और लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। और देखिए इस पेज में ये एक बीन पार्टी का क्लिप दिखाया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, तो बीन पार्टी में जिन संगीत के यंत्रों का उपयोग किया जाता है वो है बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉर्ज लॉकी, इसमें से ढोल को छोड़ करके बाकी जो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं बीन, तुम्बा और खंजीरी, ये सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं। अब हम लोग इस पार्ट वन के क्वेश्चन विंडो पे आते हैं। नागुम्फन इज ए, नागुम्फन जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की इस पार्ट के स्टार्ट में, एक डिजाइन बना हुआ था जिसको रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में और वॉल डेकोरेशन में यूज किया जाता है। ये लोकप्रिय है कहाँ, सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में। तो नागुम्फन का आंसर होगा डिजाइन यूज्ड इन रंगोली। नागुम्फन इज अ काइंड ऑफ डिजाइन यूज्ड इन रंगोली, इट इज फेमस इन, जैसे कि अभी भी हमने चर्चा की ये फेमस है गुजरात, सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में। तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब आंसर नहीं होगा, तो जो करेक्ट आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं। स्नेक चामस आर नोन एस, तो ये स्नेक चामस या सपेरे क्या कहलाते हैं? तो देखिए कालबेलिया, दमारिया, पौरा, भील, ये सब टाइप्स जिसमें स्नेक चामस जो है हम लोगों ने पढ़ा कालबेलिया टाइप से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द स्पेशल एबिलिटी ऑफ कालबेलिया, तो ये कालबेलिया ट्राइब के जो लोग हैं उसकी विशिष्ट क्षमता क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो सपेरे हैं, कैन मेक मेडिसिन फ्रॉम स्नेक वेनम, सांप के जहर से दवा बना सकते हैं, ये सही है। कैन प्ले द बीन, बीन बजा सकते हैं, ये भी सही है। कैन कैच पॉइजनस स्नेक, जहरीले सांपों को पकड़ने की कला उनके पास है, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सारे कथन जो है वो सत्य है। आर्यनाथ इज ए, तो अ स्नेक चार्मस स्टोरी, इस चैप्टर में आर्यनाथ की चर्चा की गई है जो एक स्नेक चार्मर है। विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड, तो जब बीन बजाया जाता है तो सांप जो है डांस करते हैं, तो लिजार्ड, टोर्टवाइज, पैरट, ये नहीं होगा, आंसर विल बी स्नेक। क्वेश्चन नंबर सेवन, स्नेक चामस कीप्स द स्नेक्स इन ए, इस चैप्टर के मुताबिक सपेरे जो है अपने सांप को बांस की टोकरी में रखते थे, तो बकेट, ड्रम, पीचर, ये इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा बेम्बू बास्केट। तो बांस की टोकरी में वो सांपों को रखते थे, जहां उनका सो होता था वहां पे टोकरी से सांपों को बाहर निकालते थे, बीन बजाते थे और सांपों का करतब, सांपों का डांस लोग देखते थे, उनका एंटरटेनमेंट होता था। क्वेश्चन नंबर एट में, व्हाई डज अ कालबेलिया फैमिली गिफ्ट स्नेक
टू देयर डॉटर्स ऑन देयर मैरिज। तो कालबेलिया फैमिली जो है अपनी बेटियों को शादी के समय गिफ्ट के तौर पे उपहार स्वरूप जो है स्नेक्स क्यों देते थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने परंपरा के सिंबल के रूप में, पहचान के रूप में सांप दिया जाता था। तो एज ए सोर्स ऑफ इनकम ये गलत होगा, टू टीच देम हाउ टू कैच एंड हैंडल स्नेक्स ये भी गलत है, एज ए सिंबल ऑफ देयर ट्रेडिशन अपने परंपरा चिन्ह के रूप में वो अपनी बेटियों को शादी के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप सांप देते थे। तो ये आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी। तो बीन पार्टी में जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं, बीन ये सही है, तुम्बा ये भी सही है, खंजीरी ये भी सही है, चौथा हम लोगों ने ढोल पढ़ा, इसका मतलब यहाँ जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन बीन पार्टी इज नॉट मेड फ्रॉम ड्राइड कॉर्न। सूखी हुई लौकी से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बनाया बनाया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ढोल बजाने में हम लोग सूखी लौकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आंसर होगा ढोल। इस तरह से पार्ट 1 की समाप्ति हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग ASMS।